बॉस 18। ओ भाई साहब, बिग बॉस के घर में बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। सुबह सुबह अविनाश वर्सेस दिग्विजय दिया। दोस्तों क्यों हुआ ये लड़ाई? ये लड़ाई शुरू होता है, मैं बताता हूँ। सुबह सुबह चाहत को चाय पीनी थी और चाय तो बिग बॉस ने ले लिया। क्योंकि क्यों क्यों लिया चाय? क्योंकि वो देखिए, विवेन ने चाय दे दिया था ना बिग बॉस को कि ये जो है कोई चाय नहीं पिएगा, क्योंकि ये जो चाय पी रही थी वो सारा सारा, क्योंकि सारा ने रूल तोड़ा था ना, वो चाय लेकर के जेल में डाल रही थी, उसने कॉफी फेंक दिया था। उसके बाद विवेन ने रूल बनाया था सारा चाय नहीं पिएगा। इसके बाद चाहत को चाय पीना था, तो चाहत ने क्या किया कि मुझे चाय चाहिए। तो फिर इसके बाद क्या किया चाहत ने, विवेन का जो कॉफी है ना, पर्सनल कॉफी जो था, उसका एक मग में ना, जग में कॉफी रहता है चाहत विवेन का कॉफी, वो कॉफी चाहत ने छुपा दिया सोफे के पीछे। अब विवेन गुस्से में आया, अब बोला मेरी कॉफी कहाँ है? अगर मेरी कॉफी नहीं मिली तो तुम्हारा चाय भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मुद्दा आया सारा ने जो ग्रीन टी छिपाई थी उसमें, तो उस मुद्दे में फिर शुरू हो गया लड़ाई उन लोगों का, है ना, कि दिग्विजय और अविनाश का, कि तू तो दिख भी नहीं रहा है, ये वो करके शुरू हो गया। सुनते हैं, चलिए, है ना। बहुत लोग दिख ही नहीं रहे भाई। अरे एक तो हिंट दी तुम्हें, अरे एक तो तुम्हें बाहर से हिंट दी मैंने अपने ऊपर रेस्ट लेके। मैं तेरे से हिंट क्यों लूंगा, मेरे पास बिग बॉस है। तू सही बोला, मैं तेरे से हिंट क्यों लूंगा दिग्विजय, मेरे पास बिग बॉस है, तू तो अभी आया है। तेरे को मत ले जाना हिंट, तो बाहर रहता है। अपने हिसाब से तू पहले मिल ले लोगों से, वही अपने हिसाब से तू पहले मिल ले लोगों से। तेरे डिसलाइक लाइक तेरे को खुद मिल, मुझे पता है, मुझे मत सिखा क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। अपने पे ध्यान दे, फिर बता रहा हूँ तुझे, अपने पे ध्यान दे यार। रजत अभी वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं अभी, मतलब दिखा ना कि चोरी हुई, कौन किया, वो नहीं बोलेगा। अरे इतना बकवास करता है ना पोपट, ये पोपट भाई, सारा तुम्हारा गेम ही खत्म होने वाला है। सबका खाना चुरा के रखा था तभी इसको याद नहीं आया। सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में ना तीन चार दिन सबसे पहले इस घर में चोरी तूने करी थी। अरे बहुत सारी ने करी थी भाई, मैंने है ना, आज भी तेरी के फट रही है। 12 टी बैग, 12 ग्रीन टी बैग सारा ने ले लिया था ना, तो इसी बात पे झगड़ा हुआ यहाँ पर अविनाश और दिग्विजय का। तो वही बोल रहा हूँ, मेरी चोरी में जब दिक्कत नहीं है फिर बाकी की चोरी पे नहीं, नहीं ये भी सही है। उसकी अगर अविनाश की चोरी पे दिक्कत नहीं है तो बाकी की चोरी पे क्यों दिक्कत है तुझे? तो ये वाले पे नहीं, वाले पे भी दिक्कत है, मैं मना नहीं, आवाज नहीं उठी अभी, तेरे को दिक्कत हो गई। अच्छा खासा दिग्विजय की बैन लग गई आज दोस्तों अविनाश ने, है ना। सबसे पहले इस घर में चोरी तूने करी थी। अरे बहुत सारी ने करी थी भाई, मैंने है ना, आज भी तेरी फट रही है। 12 टी बैग ले लिए, क्या बात है, दिक्कत। वही बोल रहा हूँ, मेरी चोरी में जब दिक्कत नहीं है फिर बाकी की चोरी पे नहीं, नहीं तेरी चोरी पे तो ये वाले पे नहीं, वाले भी दिक्कत है, मैं मना नहीं, आवाज नहीं उठी ना अभी, तेरे को दिक्कत हो गया अभी। मैं बोला चोरी वाली बात, तेरे को चोरी की दिक्कत हो रही है ना, कुछ चोर है, चला रहा है ना, चोर को ही बोल रहा है। हालांकि समझ रहा, अभी 3-4 दिन हुआ है, थोड़ा होता है कि सुन, तेरे को 1.5 दिन में 3-4 दिन लग रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, खुद बोला मेरे को इस घर में कोई पसंद नहीं आया, उसमें तेरा दोस्त भी आता है, लेकिन वो पूरा चाट रहा है तेरा, पूरा चाट रहा है। रजत दलाल की बात कर रहा है, कौन किसकी चाट रहा है और कौन किसके साथ है। अभी तू फर्स्ट डे से ही वो प्लान बना के जो आया, कभी बोले मुझे तू पसंद नहीं आया, सबके लिए बोल रहा है, घर है नए लोग आए, नए लोग प्यार से मिलके थोड़ा बातचीत करता है इंसान, दिग्विजय तो आके बदतमीजी कर रहा था, आके बोल रहा है अविनाश को दिख नहीं रहा है कोई, है ना, दिख तो रहा है अविनाश, उसने तो गेम खेला, अच्छा गेम खेला तभी तो अभी तक टिका हुआ, नहीं तो कितने लोग तो निकल चुके हैं, नायरा, हेमा, बाकी लोग। अरे तो ये लाइन का मतलब क्या, यहाँ पर देखा ना तो किस तरीके से झगड़ा शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत गंदा होने वाला है दोस्तों। यार रजत अभी वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं अभी, मतलब दिखा ना कि चोरी हुई, कौन किया, वो नहीं बोलेगा। अरे इतना बकवास करता है ना पोपट, सबका खाना चुरा के रखा था तभी इसको याद नहीं आया। ये तो आपने देखा था खाना चुराने वाला, है ना, तो वही बोल रहा हूँ, मेरी चोरी में जब दिक्कत नहीं है फिर बाकी की चोरी पे नहीं, नहीं तेरी चोरी पे तो ये वाले पे नहीं, भी दिक्कत है, मैं मना नहीं, आवाज नहीं उठी ना अभी, तेरे को दिक्कत हो गया अभी। मैं बोला यहाँ पर दोस्तों बहुत गंदा होने वाला है दोस्तों, है ना, श्रुतिका भी अभी अविनाश को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अभी चाय को लेकर और झगड़ा हो रहा है। यार ये बताओ सर, चाय तो चाहिए ना, चाय पत्ती छुपा ली इन लोगों ने, छुपाई हुई है 100%। ये क्या बात हुई,
का डब्बा ही रख लूंगी। चाय पत्ती छुपाया था। चलो लेट्स ड्रिंक, ड्रिंक करके, और मैं तो कहती हूँ रख ही लेते हैं। यहाँ पर छुपा दिया, यहाँ पर चाहत ने चाय। सोफे के पीछे छिपाया। यहाँ से मेरा पर्सनल फ्रेंच प्रेस किसने उठाया? अब ये सब भी करने लगे हो तुम लोग? मेरा पर्सनल सामान चोरी हुआ है। चोरी नहीं हुआ, मेरे पास है। ओ वापस दीजिए। मैं कह रही हूँ कि चाय नहीं है घर में, चाय पीनी है, और आपकी जो प्रजा है वो चाय भी नहीं पी रही, और आप कॉफी पियेंगे राजा हो। किससे पूछ के मेरा पर्सनल सामान? पर्सनल सामान हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। मैं क्यों किससे पूछूं? मैंने बोला मेरे पास है, मेरा पर्सनल सामान है। मेरा पर्सनल सामान है। व्हाट पर्सनल? पर्सनल माय हमें चाय पत्ती मिल जाएगी, आपकी कॉफी मिल जाएगी। जब तक मेरा पर्सनल सामान वापस नहीं होगा तब तक मैं बिग बॉस से चाय की रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा। जो करना है कर लो। सही है, सही बोला विवेन ने। जब तक मेरा सामान नहीं मिलेगा मैं क्यों दूं चाय? सही है दोस्तों। अब होने वाला है झगड़ा, देखना है ना। यहाँ पर विवेन और अविनाश डिस्कस कर रहे दिग्विजय का बिहेवियर। ठीक है, मतलब जो ड्यूटी तो भी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से जो मन मैं करूंगा। ठीक है, मतलब क्या करना चाह रहे हो? जो दिग्विजय ना अपने मर्जी से ड्यूटी कर रहा है, जो वॉलंटरी होके है ना, जो ड्यूटी दिया जा रहा है वो नहीं कर रहा है। कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है। तो मैंने उसको जाके बोल दिया, मैंने कहा आप अपनी ड्यूटी करने से मना कर चुके हैं, लेकिन वॉलंटरीली आप ये कर रहे हैं, इसका मैं ध्यान रखूंगा इस टाइम पर। मतलब ये काउंट नहीं होगा? यही सब चीजें करवा देंगे। नहीं नहीं, वो क्या कर रहा ना, वो सिर्फ अभी दूसरों के कैरेक्टर देख लिया क्या क्या चल गया है यहाँ पे, बट वो एक्चुअल में ये है नहीं, वो गलत समीकरण सीख रहा है। नहीं क्या हो रहा है ना कि उसने डिसाइड करके आया कि उसको जो बोला जाएगा वो ना करेगा, तो वो बहुत कूल लगेगा। वो चार पांच दिन के बाद ना, मैं बता रहा हूँ थोड़ा नॉर्मल होगा, बट जब तक हो ना देर बहुत हो जाएगी। वही अविनाश सही बोल रहा है, चार पांच दिन के बाद दिग्विजय जब नॉर्मल होगा तब उसका टाइम आ जाएगा घर से निकलने का। तो दिग्विजय को अभी से ही अकेला गेम खेलना चाहिए, रजत के साथ नहीं, क्योंकि अगर वो रजत के साथ गेम खेला वो आगे नहीं बढ़ पाएगा दिग्विजय। तब तो फिर हो जाएगा कि भाई आए या गए, कल हम यही बात कर रहे थे। वही अविनाश बोला ना, मुख्य द्वार खोला जाएगा आपके लिए जल्दी है। सही बोल रहा है वो। अभी तो फर्स्ट डे से ही वो प्लान बना के जो आया, अभी बोले मुझे कोई पसंद नहीं आया। सबके लिए बोल रहा है, घर है यहाँ पे, यहाँ पे नए लोग आए। ये झगड़ा रजत की वजह से लग रहा है, इनका जो झगड़ा है ना दोस्तों, ये अविनाश और दिग्विजय का, इनका रजत की वजह से झगड़ा हुआ, क्योंकि रजत ने भड़का दिया दिग्विजय को है ना, इसलिए तो बिग बॉस बोला अरे दिग्विजय आपके आने के बाद डरपोक रजत बोलने लगा है ना। यहाँ से मेरा पर्सनल फ्रेंड। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो यही चल रहा है घर में अभी फिलहाल, और कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है, और भी अपडेट्स लेके आता हूँ मैं है ना। कल रात को भी जो अपडेट था मैंने दे दिया है। फिलहाल नॉमिनेशंस के बाद अभी बदलता जा रहा है, अभी टाइम गॉड का टास्क भी होगा आई थिंक है ना, टाइम गॉड की अवधि भी खत्म होने वाली है, और आई थिंक टास्क होगा बाहर, जो काम चल रहा है, ब्लाइंड्स बंद कर दिए गए हैं, सब लोग घर के अंदर है, अभी टास्क होने वाला है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली टाइम गॉड का टास्क होगा या कुछ टास्क होने वाला है, जो भी होगा है ना। और अब तो राशन भी बाहर है, सब खा पी रहे हैं मजे से। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिग्विजय को अकेला गेम खेलना चाहिए, वरना वो फंस जाएगा, बहुत गंदा फंसेगा वो है ना। अगर दिग्विजय ठीक से नहीं खेला अकेला, वो पीछे हो जाएगा, निकल जाएगा वो घर से। वो अगर दूसरों के चक्कर में गेम खेला, तो रजत के चक्कर में अगर वो रहा, तो वो उसका गेम बिगड़ जाएगा दोस्ती के चक्कर में है ना। जो रविनाश बोल रहा है, जब तक उसको ये एहसास होगा तीन चार दिन के बाद वो इविक्ट हो जाएगा। सेम शहजादा के साथ हुआ था है ना, वो ज्यादा ही खिलाफ जा रहा है, अपने मर्जी से कर रहा है, जो टाइम गॉड बोल रहा है वो नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, चलिए थैंक यू भाई।